आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलो जूल पर मोल ऑफ थ्री रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स गिवन बिलो मींस हमें यहां पर थ्री एलिमेंट्स गिवन है पी क्यू एंड आर और हमें उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है first, third, और इन्हीं आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एक तरीके से और हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दीज थ्री एलिमेंट्स तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से पहले यहाँ जो हमें एनर्जीज दे रखी है हमें इनका मीनिंग समझना जरूरी है ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी पर सेकंड और थर्ड तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारा आयोनाइेशन पोटेंशियल होता है अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है दैट इज टू रिमूव फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट होता है हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसके बाद हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमारा आयोनाइेशन पोटेंशियल सेकेंड हो जाएगा और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारा जो एनर्जी यूज होगी दैट विल बी आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड ठीक है अब उन्होंने यहाँ पर हमें P, Q, R के तीनों आयनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल P तो P से जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ी है इन किलो जूल पर मोल जब मैंने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें इतनी एनर्जी दी है और जब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला है तो हमने इतनी एनर्जी दी है तो आइए हम बहुत ही इजीली इस टेबल को स्टडी करेंगे और हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे उसने जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है दैट इज क्यू अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कहता है कि जो हमारे क्यू है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं बच्चे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू जो हमारे ग्रुप टू के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं जिनकी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है ns2 टू ठीक है जिनकी हमारी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2 टू हमारे आ, क्या होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं तो वो कह रहे हैं कि क्या क्यों हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो आइए हम ये चीज चेक करते हैं कि क्यू हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है या नहीं है ठीक है तो देखिए क्यों अगर हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है एनएस टू मतलब उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट है वो बहुत ज्यादा होगा क्यों क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी लेकिन वही अगर मैं आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल टू देखती हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो मुझे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा क्यों क्योंकि अब उसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था वो तो लॉस्ट हो ही चुका है तो देखते हैं क्यू का देखिए जो फर्स्ट पोटेंशियल है वो थर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब बिल्कुल भी इजीली नहीं देना चाहता थर्ड इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देना चाहता क्यों क्योंकि उसके सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसको एक स्टेबल कंफिग्रेशन मिल गई होगी और एनएस वाले वही होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद वो इतना इजीली अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते तो क्या क्यू का आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड हाई होगा बिल्कुल होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है जो की यहाँ पर है भी तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है नेक्स्ट वो कहता है कि जो पी है वो अल्कली मेटल्स है अल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप वन वाले ठीक है सोडियम लिथियम आई मीन लिथियम सोडियम पोटेशियम ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होती है एनएस वन दैट मीन इनका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए तो देखिए पी में देखते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 495.8 और फाइव आयनाइजेशन पोटेंशियल देखिए तो दैट इज 456 मतलब नियरली 10 टाइम्स वो बढ़ गया है और ऑब्वियसली अगर वो 10 टाइम्स बढ़ा है और वो इस चीज में हमारा होता भी है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो उसको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगी तो ऑब्वियसली वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइज करेगा जो हमें दिख भी रहा है देखिए टू और थ्री में इतना फर्क नहीं है वन और टू में बहुत फर्क है दैट मीन्स वन के बाद उसको स्टेबल कन्फिग्रेशन मिल गई होगी और अल्कली मेटल्स में यही होता है दैट मीन्स ये भी मेरी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट है आर वो कहते हैं कि जो आर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है मतलब या तो आर जो है वो मेरा एन एस वन भी हो सकता है एन एस टू भी हो सकता है एनएस वन या एन एस टू मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद या दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका जो थर्ड पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक है थर्ड पोटेंशियल अगर एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है दैट मीनस वो मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ पर देख फाइव सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव वन एट वन सेवन टू सेवन फोर फाइव यहाँ पर देखो फाइव से अगर मैं देखती हूँ तो ये नियरली थ्री टाइम्स इंक्रीज हो गया और यहां से ये टू टाइम्स भी इंक्रीज नहीं हुआ है टू टाइम्स भी इंक्रीज ये नहीं हुआ है तो यहां पर इतना ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है और अगर ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है सेकेंड आयनाइजेशन एंथेल्पी में और थर्ड आयनाइजेशन एन्थेलपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जो कि यहां पर नहीं है तो दैट मीन्स आर के सी स्टेटमेंट हो गई ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो And D हैं, they to the same बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दैट मीन्स दे आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड तो दैट मीन्स डी भी मेरी करेक्ट स्टेटमेंट है उसने पूछा था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था सोल्यूशन इज क्लियर टू यू थैंक सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर